हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक इन हाउ में। तो दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं, ये एक प्रोडक्ट है जो कि है रैम DDR3 हाइनिक्स की तरफ से, और इसकी फ्रिक्वेंसी है 133 मेगाहर्ट्ज़ की। तो चलिए देखते हैं अनबॉक्सिंग पर। उसके पहले हम देखेंगे कि मेरे लैपटॉप में कौन सी रैम इंस्टॉल्ड है। तो ये वीडियो अनबॉक्सिंग प्लस इंस्टॉलेशन वीडियो होने वाली है, तो वीडियो पूरी देखिए, तभी आपको इंस्टॉलेशन के बारे में थोड़ी नॉलेज होगी और रैम के डिटेल्स कैसे चेक करोगे उसके बारे में थोड़ी नॉलेज हो जाएगी। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे इसमें क्या कौन सी रैम इंस्टॉल है। पहले तो हमें जाना है स्टार्ट मेन्यू में और फिर टाइप करना है CMD और फिर कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर राइट क्लिक मार के रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो यहाँ पे अभी मैं इसको सेंटर में लाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें टाइप करना है WMIC स्पेस मेमोरी चिप स्पेस गेट स्पेस बैंक लेबल कॉमा डिवाइस लोकेटर कॉमा फिर टाइप करना है मेमोरी टाइप कॉमा टाइप डिटेल कॉमा मैन्युफैक्चरर कॉमा और टाइप करना है कैपेसिटी कॉमा स्पीड। तो पहले तो अभी मैं फटक से आपको एक ब्रीफ करता हूँ कि ईच टर्म क्या क्या है। तो WIC एक विंडोज़ की कमांड है जो हम विंडोज़ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो मेमोरी चिप मतलब रैम के बारे में हम लोग गेट, तो उसमें से गेट क्या मिल रहा है। बैंक लेबल मतलब कौन से बैंक में, जैसे कि स्लॉट्स होते हैं तो फर्स्ट स्लॉट या सेकंड स्लॉट ये बताएगा। डिवाइस लोकेटर मतलब वो स्लॉट किधर है, तो अभी आपको मैं बताता हूँ, तभी आगे बताऊंगा तभी पता चलेगा। फिर मेमोरी टाइप आता है, कौन सा मेमोरी टाइप, तो उसके नंबर है लाइक 24 इज फॉर DDR3 फिर और 04 DDR4 वैसे नंबर्स है, तो उन्होंने नंबर्स दे के रखे हैं उसके लिए। फिर टाइप डिटेल्स आते हैं, टाइप डिटेल्स में आपको 128 बिट्स वो सब टाइप्स रहते हैं, और मैन्युफैक्चरर तो जिसने मैन्युफैक्चर किया वो मिलेगा। फिर आते हैं कैपेसिटी और स्पीड, कैपेसिटी मतलब कितने GB की रैम है आपकी और स्पीड मतलब कितने मेगाहर्ट्ज़ पे फ्रिक्वेंसी पे वो रन करती है रैम। जैसे आप एंटर हिट करोगे तो आप देख सकोगे, ये देखिए यहाँ पे आया है बैंक लेबल 0 मतलब फर्स्ट वाले स्लॉट में है। फिर कैपेसिटी आई है जो कि इन्होंने बाइट्स में दी है, तो ये एक्चुअली 2 GB की अभी करंट मेरी रैम है। फिर डिवाइस लोकेटर, तो ये मेरे लैपटॉप है, लैपटॉप के बॉटम स्लॉट में सेकंड स्लॉट है जो ऊपर से सेकंड दिखेगा बट एक्चुअली वो फर्स्ट स्लॉट है डिवाइस बैंक का। तो ये डिवाइस लोकेटर मतलब वो स्लॉट किधर है, वो फिजिकल स्लॉट का लोकेशन बताता है, और ये बैंक जीरो मतलब एक्चुअल में वो PC के लिए कौन सी स्लॉट है, फर्स्ट स्लॉट है या सेकंड स्लॉट है ये बताता है। तो बैंक जीरो मतलब फर्स्ट स्लॉट में मैंने डाल के रखा है। मैन्युफैक्चरर सैमसंग है। मेमोरी टाइप 24 मतलब DDR3 हुआ। इसकी स्पीड आप 1333 मेगाहर्ट्ज़ में दी है और टाइप डिटेल्स 128 दी है। आप साथ ही में फॉर्म कॉमा डाल के फॉर्म फैक्टर्स भी डालोगे तो फॉर्म फैक्टर आ जाएगा, तो वैसे आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। तो ये आप चेक कर ले कि कौन सी रैम है। तो अभी हम इस लैपटॉप को डायरेक्टली टर्न ऑफ करते हैं। इसकी पावर केबल जो मैंने अभी कनेक्ट की है वो निकालता हूँ मैं, इसको साइड में रख देता हूँ और इससे पहले बैटरी निकाल के साइड में रखता हूँ, क्योंकि जो भी स्टैटिक करंट रहेगा इसके अंदर, जो भी इसके कंपोनेंट्स में जो करंट सेव रहेगा वो निकल जाए। तो ये निकालने के बाद पावर बटन एक बार दबा रहा हूँ। तो ये होने के बाद हम यहाँ से साइड में कर देते हैं इसको, और बाद में ये जो देख रहे हैं आप पैकेज, इसको ओपन करेंगे तो ये देख सकते हैं ये कम्प्लीटली पैक्ड है, इधर सील पैक्ड है कम्प्लीटली। और मेरे को ये एड्रेस थोड़ा छुपाना है, तो अभी हम लोग इधर से सीधा फाड़ देते हैं। एक्चुअली अनबॉक्सिंग क्यों करनी है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि कभी भी अनबॉक्स कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन कर रहे हो, तो उसकी स्मॉल से एक वीडियो क्लिप बना ले अनबॉक्सिंग के टाइम पे, या फिर जैसे आप ओपन करोगे इसकी एक वीडियो क्लिप बना दे, ताकि आपका जो भी रिफंड या रिप्लेसमेंट प्रोसीजर होता है वो बहुत स्मूथ होता है। अगर उन्होंने मांगा तो आप उनके ईमेल कर सकते हो वो वीडियो, या फिर उनके जो भी चैट सपोर्ट रहते हैं उसके ऊपर भी भेज के आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इनवॉइस है, तो मैंने ये खरीदा है 10 फोकस करके बताता हूँ 10 1025 1025 रुपीज़ में खरीदा है, और इसके अंदर ये रैम है और वेल पैक्ड है। तो मैं इसे अभी ओपन करता हूँ, संभल के थोड़ा, क्योंकि टेप ओपन करना है मेरे को, तो यहाँ से भी ओपन करता हूँ। बहुत सारी टेप मार करती है, बबल रैप तो बहुत लपेट है, ऑब्वियसली डेलिकेट कंपोनेंट है, इसको आप अगर
मिसहैंडल करोगे तो ये डैमेज हो सकता है, तो इसलिए एकदम केयरफुली काटिए। तो एकदम मैं भी धीरे से अनबॉक्स कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये एक्चुअल में कंपोनेंट है और प्रीमियम मेमोरी लाइफ टाइम वारंटी, बट एक्चुअल में 3 इयर्स वारंटी देते हैं ऐसे बोला है, बट देखते हैं लाइफ टाइम वारंटी मिलता है कि नहीं। तो चलिए इसको ट्राई करता हूँ, ये स्टिकर को निकालो क्योंकि रिटर्न करना हो तो वो यूजफुल रहेगा। तो ये रैम है, तो फोकस करता हूँ मैं पहले। तो यहाँ पे मेंशन किया है 4GB और पार्ट नंबर वो सब। तो ये रैम एक्चुअल में हम लोग, ये उनके स्पेसिफिकेशंस है, तो ये रैम एक्चुअल में जब हम इंस्टॉल करेंगे तभी पता चलेगा। और बेस्ट चीज़ ये हाइनिक्स मेड इन कोरिया वाला रैम है, तो ये मेरे को एक अच्छी लगी। तो ये कोई फिजिकल डैमेज नहीं है इसमें, और इसके पीछे मेंशन किया है 2020 दिख रहा है, जीरो दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, आप देख सकते हैं 2020 to 2021। और फर्स्ट 2020 में फर्स्ट मंथ में ये सेल सोल्ड आउट हुआ है प्रोडक्ट, इसलिए उन्होंने ये स्टिकर चिपकाया है। और इसके ऊपर कुछ तो लिखा है, तो मैं चेक करूंगा रैम क्या है, सीपीयू जेड में भी चेक करूंगा, अगर मेरे को लगा कि ये रैम यूज्ड वाली है तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। तो चलिए पहले तो इंस्टॉल करते हैं इसको सेफली, इसी में सेफली ऐसे साइड में रख देता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ कॉर्नर में, और इसको तो ये जो स्लॉट है उसका स्क्रू, मैंने इधर स्क्रू है तो वो निकाल लिया है पहले ही। तो ये रैम 4GB है और सब मैंने जो स्पेसिफिकेशन है वो मेरे लैपटॉप के साथ मैच करके देखे, इसलिए मैं इसको फर्स्ट स्लॉट में इंस्टॉल करने वाला हूँ। और ये सेकंड 2GB वाला जो मेरे को प्री इंस्टॉल था मेरे लैपटॉप में, ये देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे दिख रहा है सैमसंग, तो इसे मैं सेकंड स्लॉट में डालूंगा। ये बॉटम टू जो डिवाइस लोकेटर में बॉटम टू जो आ रहा था वो यही बता रहा कि बॉटम का सेकंड स्लॉट है, तो इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हो आपके लैपटॉप के लिए भी। अभी मैं फिलहाल ये 4GB वाला नीचे डालने वाला हूँ, तो इसे जस्ट आपको ऐसे हल्का सा प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं दबाना है, और दाल जैसे आप प्रेस करोगे, अभी ये फिट हो रहा है, हल्का सा प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, और सॉरी, तो ये ऐसे करोगे फिर आपको डालना है इसको भी सेम सिमिलर वे में, आपको ऐसे डाल के, पहले मैं इसको वापस एक बार कंफर्म करता हूँ फिट हुआ है कि नहीं। अभी ये सेकंड में जाते हैं, तो इसको भी ऐसे थोड़ा इंक्लाइन पोजीशन में अंदर जाता है, फिर प्रेस करोगे तो फिट हो जाता है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको पैक करते हैं और लैपटॉप को बूट करके चेक करते हैं फ्रीक्वेंसी, वो सब सेम कमांड यूज करेंगे हम। सॉरी मैंने बैटरी नहीं डाली है, तो मैं भी ऐसे ही बैटरी डालता हूँ। बैटरी इंस्टॉल हो गई, अभी हम इसको ऑन करेंगे। तो ये बूट हो रहा है, और मैं यहाँ पे एक नॉइस जो रैम फर्स्ट टाइम, इसलिए वो रैम की जो प्रोसेसिंग के लिए जो जगह देता है वो शायद टाइम दे रहा है, इसकी वजह से आवाज सुनने के लिए फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन की वजह से रहेगा, बाद में यूज़ करने के बाद थोड़ा वो यूज होने के बाद थोड़ा स्मूथ रन होगा। अभी मैंने 4GB फर्स्ट स्लॉट में रखा है, अभी फर्स्ट स्लॉट में रखा है इनिशियली बूट के लिए यूज़ होता है, वो इसलिए मैंने ये जान दूसरे फर्स्ट स्लॉट में रखा है। और प्लीज वेट, तो ओपन हो गया है, अभी हम डायरेक्टली इसको लॉक पासवर्ड डालता हूँ और चेक करते हैं क्या है। सेम कमांड डालेंगे और चेक करेंगे कैसे क्या होता है। तो ये मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ, फर्स्ट टाइम बूट में टाइम दे रहा है। तो चलिए वापस कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, स्टार्ट मेन्यू में जाके CMD टाइप करके कमांड को राइट क्लिक मार के, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, फिर वही सब कमांड्स हम वापस डालेंगे, wmic स्पेस memorychip गेट manufacturer स्पेस बैंक लेबल कॉमा डिवाइस लोकेटर कॉमा, बाद में और टाइप करना है हमको, मेमोरी टाइप टाइप डिटेल्स और कैपेसिटी एंड स्पीड।
कॉमा स्पीड और मैं यहाँ पे फॉर्म फैक्टर भी डालने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंक जीरो मतलब फर्स्ट स्लॉट में ये 4GB है, सेकंड में 2GB है, बॉटम स्लॉट 2 जो कि बताया उसका फिजिकल लोकेशन सेकंड स्लॉट है इसलिए वो 2 बता रहा है अंडर, ये टॉप में है। और 12 फॉर्म फैक्टर एक्चुअली इंडिकेट करता है लैपटॉप के लिए। और हाइनिक्स सेमीकंडक्टर जो कि मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे सैमसंग है, 2424 है, 133 सेम फ्रीक्वेंसी पे है और टाइप बी जो बिट का है वो भी सेम है। अभी मैं सीपीयू रेट के साथ इसको चेक करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सीधा मेमोरी में जाते हैं, DDR3 और 6GB टोटल रैम बता रहा है। SPD में आपको बता रहा है स्लॉट 1 में DDR3, तो ये स्लॉट 1 सेलेक्ट किया है तो 4096 ये मेगाबाइट्स में बताया है उसकी फ्रीक्वेंसी, ये हाफ में बताता है क्योंकि ड्यूअल चैनल रहता है और Hyundai Electronics Hynix फिर ये रैंक ड्यूअल है इसलिए। और ओके है सब सेम फ्रीक्वेंसी है, वोल्टेज 1.5 है। और अभी हम जाते हैं और चेक करते हैं स्लॉट 2 में 2048 मेगाबाइट्स जो कि 2GB सैमसंग है वही सब है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी और आप भी आपकी जो रैम अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो आपकी लैपटॉप, तो आप भी अगर आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में रैम अपग्रेड करना चाहते हो, स्पेस बढ़ाना चाहते हो ताकि आपका प्रोसेसर फुल स्पीड पे और फुल कैपेसिटी के साथ वर्क करना चाहे, तो आप भी आपकी रैम इंस्टॉल कर सकते हो खरीद के, किसी टेक्नीशियन के पास जाने की जरूरत नहीं, वो आप खुद खाली फुकट आपसे 500 रुपये एक्स्ट्रा लेगा खाली फुकट एक रैम इंस्टॉल करने के, और साथ ही में वो रैम के भी ज़्यादा चार्जेस लगा देगा। तो बेटर आप ऑनलाइन मंगाइए या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या फिर जो भी आपके नजदीकी जो कंप्यूटर शॉप से वहाँ पे जाके रैम खरीदिए, चेक कीजिए पहले रैम के स्पेसिफिकेशंस जो इंस्टॉल है। बेसिकली आपको चेक करना होगा मेमोरी जो कि है, आपको कैपेसिटी ये चेक करना है कौन सी स्पीड है रैम की, टाइप डिटेल चेक करना है और आपको फॉर्म फैक्टर चेक करना है। तो ये बेसिकली फॉर्म फैक्टर 12 और 8 रहता है, 8 रहता है वो कंप्यूटर के लिए रहता है, 12 बेसिकली आपके लैपटॉप के लिए रहता है। तो ये सब चेक कीजिए और सेम ये सब इसके सेम सब फैक्टर्स अगर आप मैन्युफैक्चरर भी सेम लेते हो तो वेल एंड गुड रहेगा। तो ये सब लेके आप कैपेसिटी ज़्यादा लेके आप इंप्रूव कर सकते हो। अभी मैं इसकी परफॉर्मेंस देखूंगा और अगर परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है तो ये मैं और एक मंगवा लूंगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी और अगर आपको ये हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए कि आप कौन सा आपको अपग्रेड करने में इसमें क्या हेल्प मिली। तो आई होप आप ये शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे और सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू दोस्तों।